हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग सब हेल्दी होंगे, एकदम अपने घर में सेफ होंगे, आपकी और आपकी फैमिली एकदम सेफ होगी, और प्लस आप लोग टाइम दे रहे होंगे अपने स्टडीज़ को, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, जैसे जैसे केसेस डाउन होंगे और अनलॉक शुरू होगा, तो होपफुली डेट हमारी बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगी, तो एक बहुत अच्छी इंडिकेशन होगी कि एटलीस्ट एग्ज़ाम्स की आप लोग को डेट पता हो जाएगी और आप अपनी तैयारी वैसे रिज्यूम कर पाएंगे या अपनी तैयारी को और अच्छे से फास्टर डेट पे कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक अनाउंसमेंट लेके आया था, एक छोटी सी। फ्रेंड्स, आपको पता है मेरे चैनल पे व्हाट वी डू इज़ मैं एमसीक्यू फॉर्म में कोशिश करता हूँ कि आपको लॉ, आपकी जो अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है एंड आपकी इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज लेके आके आपका रिवीजन कराता रहूँ। ये मैंने पीछे भी वीडियोस डाली थी और मुझे इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है। फ्रेंड, एक चीज़ थी यहाँ पे, आपको पता है अभी जनरली एनपीएस ग्रेड बी के लिए जो मैं प्रिपेयर करा रहा था उसमें तो अब है नहीं, उसमें तो यही वाला सेक्शन आने वाला है, लेकिन बाकी एग्ज़ाम्स में आप लोगों ने ज़रूर भरा होगा या आप लोग आगे अपीयर होंगे, तो उसमें आप सबको पता है फ्रेंड्स, फेज़ वन में या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में एक आपका इंग्लिश, रीजनिंग एंड कौनस का सेक्शन आता है, ठीक है। अब मैं सोच रहा था मैं इसमें आप लोग कैसे हेल्प कर पाऊँ। फ्रेंड्स, मैं इसको पढ़ाने नहीं वाला हूँ, कभी आप लोग सोचो कि अभी पढ़ाएंगे, मैं फ्रेंड्स बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा। आप सबको पता है यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो ये काफ़ी सालों से बैंक की प्रिपरेशन में बहुत अच्छे अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मैं जस्ट इसमें आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, मैं ये सोच रहा था कि जितने भी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस पेपर्स हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दूं चैनल पे, ठीक है। तो जब आपका टाइम हुआ इन द डे कि आप ये सेक्शन प्रिपेयर कर ही रहे हैं एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर दिस एंड यू आर लुकिंग फॉर मॉक टेस्ट, तो आपको कहीं जाना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े, एक जगह पे आपको रिसोर्सेज मिल जाए। तो फ्रेंड, जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैंने जब बाई करे थे अपने एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए या नए भी पेपर्स हैं, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दूं और आपको कहीं देखना ना पड़े इधर उधर। तो जस्ट ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी, ये तो हम आपको पता है मैं आपके लिए ला रहा हूँ ये सारी वीडियोस जो हैं, है ना, इसके लिए मैं बस एक पीडीएफ फॉर्म, आपकी पीडीएफ विद सॉल्यूशंस, है ना, प्लस सॉल्यूशंस आपके लिए लाया करूँगा। ये आपका होगा, कैसे बोलूँ, इसको एक नाम दे लेते हैं हम लोग आपके लिए, ये है सेल्फ स्टडी का मॉक टेस्ट, सेल्फ स्टडी मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये आपको प्रिपेयर करने के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, ये मॉक टेस्ट मैं पीडीएफ फॉर्म में लाऊंगा विद सॉल्यूशंस, वो डाल दिया करूंगा, ठीक है। मेरे को बस एक आपसे सजेशन चाहिए था, कैसे प्रेफर करेंगे आप लोग कि मैं जस्ट विद अ शॉर्ट वीडियो बस उसका लिंक दे दूं या उस वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट्स ला के दे दूं। मेरे को ये बस आप लोगों से ये जानना था, फिर उस हिसाब से भी मैं आपके सारे मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया करूंगा वो पीडीएफ फॉर्म में, तो आपकी इंग्लिश रीजनिंग पॉइंट्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। फ्रेंड्स, बाकी सेक्शन के लिए आपको पता है मैं बिल्कुल आपके साथ ये वाली तैयारी कराता हूँ विद एक्सप्लेनेशन, और जिससे कि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता जाए, जस्ट टू फैसिलिटेट के आप लोग ये वाले सेक्शन जो इंग्लिश रीजनिंग पॉइंट्स के हैं, कैसे और मैं इसमें अपना हैंड दे सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ, उसके लिए मैं ये मॉक टेस्ट सोच रहा था कि आपके लिए पीडीएफ विद सॉल्यूशन डाल दूँ, जिससे कि आपको कहीं देखना ना पड़े। प्लस ये सेल्फ स्टडी मॉक टेस्ट होंगे, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है, या ऐसे कर लेंगे अगर ऐसा लगा सब बच्चों को या किसी को भी जो कमेंट करता है कि नहीं ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, ये सबकी बेनिफिट हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल है या टिपिकल सम है, तो देन वी विल डिस्कस इन द क्लास, ठीक है। तो ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी, बस एक आपसे सजेशन है, आप लोग कैसे चाहेंगे कि मैं स्क्रीनशॉट्स डाल दूँ वीडियो में, एक छोटी वीडियो विद स्क्रीनशॉट्स दे दूँ, कि आपको सिर्फ पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दूँ उस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस सेल्फ स्टडी मॉक टेस्ट का एक तो कंसेप्ट मतलब ये मैं जो लेके आ रहा हूँ, मतलब इसको आप कैसे देखते हैं, इस पर अपना फीडबैक दीजिएगा। प्लस मेरे को वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए कि आपको सिर्फ पीडीएफ का लिंक दे दिया करूँ या आपको एक है कि वीडियो के अंदर छोटे छोटे मैं मतलब 10 10 सेकेंड या 20 20 सेकेंड का रोक के स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड कर दूँ विद सॉल्यूशन, जिससे कि आप अपने उस वीडियो को पॉज करें, अपने क्वेश्चंस कर लें, देन यू सी द आंसर्स, ठीक है। तो वो आपके लिए सेल्फ स्टडी हो जाएगी, जिससे कि आप एकदम लगे रहें अपने तैयारी में, तो आपका जो आ, आ, आपका जो रीजनिंग कौन सा इंग्लिश का सेक्शन वो भी अच्छे से तैयार हो जाए,
प्लस योर टेक्निकल सेक्शन अबाउट द लॉ, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, वो भी आपका साथ साथ चलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच।